हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, बालों के झड़ने गिरने की आज की बात की जाए तो एक आम समस्या है। हर एक घर में कोई ना कोई हेयर फॉल, हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा डैंडफ, बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज, रूखे सूखे बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हैं, यानी बालों को लेकर किसी न किसी समस्या से हर एक घर में आपको एक न एक इंसान मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर विजिट किया है। मार्केट वाले बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, इस टाइप की चीज़ें यूज़ की है, उसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो लोग आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बालों के झड़ने का कारण क्या है। तो ज़रूरी नहीं कि बालों के झड़ने का कारण अंदरूनी हो, कई बार बाहरी कारक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर, यानी कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा हार्ड आता है जो कि बालों को नुकसान करता है, डैमेज करता है, जिसके कारण हेयर फॉल, हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा बाल रूखे सूखे ड्राई हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, गंदगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में हम रहते हैं, जिसके कारण बाहरी जो बहुत विषैली जो हवा होती है हमारे बालों को नुकसान करती है। तो ये कारण है, तो आप विश्वास कीजिए, आज के वीडियो में आपके एक हेयर ऑयल कॉम्बो शेयर करने वाले हूँ। वो अगर यूज़ कर लेते हो तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को वो सबसाइड करके आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा चमकदार बनाने वाली है। अगर ये ऑयल आप यूज़ कर लेते हो तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार, घना, मुलायम, सुंदर बनाने वाली है, यानी बालों की हर एक प्रॉब्लम को खत्म करने वाली। इवन आपको अगर हेयर लॉस तक हो रहा है तो ये जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर ऑयल का कॉम्बो शेयर करने वाली हूँ, सिंगल सिंगल ऑयल इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको सिंगल यूज़ करते हो तो आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम को ये खत्म कर सकता है। सिवाय अगर आपको किसी भी प्रकार का जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उतना ज़्यादा वर्क ना करे, लेकिन वर्क करेगा, लेकिन उसको विश्वास पूर्वक जैसे वीडियो में बताया जाता है वैसे उतने दिनों के लिए फॉलो करना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें लेने हैं 3 मेन ऑयल, नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर टी एसेंशियल ऑयल या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है तो 4 से 5 बूंदे आप उसकी भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, 1 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। मैंने एक बार एप्लीकेशन के अनुसार इसको प्रिपेयर किया है, अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हो तो उसको बना के आप स्टोर कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, नारियल का तेल बहुत पुराने समय से लोग बालों के लिए, स्किन के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हल्का, बहुत ही ठंडी तासीर का तेल होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई होता है जो कि हमारे बालों को डीप कंडीशन करता है, डीप मॉइस्चराइज करता है, बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मजबूती देता है। सेकंड जो ऑयल है कैस्टर ऑयल, जी हाँ, नाम ही काफ़ी है, आरंडी का तेल, जिसका वर्णन आपको आयुर्वेदिक या आयुर्वेद में भी मिल जाएगा। इसका यूज़ बहुत पुराने समय से हमारे दादा नाना अपनी स्किन केयर और बालों के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। पावरफुल ऑयल है जिसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अमीनो एसिड होता है, इसके अलावा रिनोनिक एसिड होते हैं, इसके अलावा इस टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इमीडिएटली हाई कर देता है, बालों के जो फॉलिकल्स उनको मजबूती देता है, बालों को डीप कंडीशनिंग करता है, बालों को झड़ने गिरने से रोकता है। जी हाँ, कोई भी मार्केट में अगर हेयर फॉल वाला आप ऑयल लेके आओगे उसमें कैस्टर ऑयल का यूज़ होना ही होना। आप इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते थे लेकिन ये काफ़ी थिक है, इस वजह से आपके स्कैल्प में ईजली पेनिट्रेट नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे इसको दूसरे ऑयल में मिक्स किया जाता है। थर्ड जो ऑयल है विटामिन ई, विटामिन ई ऑयल बहुत ही पावरफुल है, इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक तरीके का बैरियर का काम करता है, आपको किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, आपके बालों को किसी भी प्रकार के डैमेज से, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा हार्मफुल विषैले तत्वों से बचाता है। इसके साथ ही साथ बालों को डीप कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, हेयर फॉल को रोकता है। आप इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इन चीज़ों में अगर मिक्स कर लेते हो तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। इन तीनों तेलों को लेके अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद इसको हल्का सा गर्म करना है, गर्म करने से इसकी जो पावर है कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद हेयर स्कैल्प से लेके टिप्स से लेके रूट तक आपको जो बालों की जो एंड है, जहाँ पे स्प्लिट एंड है यानी दो मुहे बाल, वहाँ पे थोड़ा सा मसाज ज़्यादा करना है अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप वैसे छोड़ सकते हो ऐसे ही 2 घंटे के लिए, अदरवाइज़ अगर आप चाहो अच्छे रिजल्ट के लिए या फिर आप चाहते हो आपके बाल बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, बहुत मैनेजेबल हो जाए, बहुत चमकदार मुलायम हो जाए, तो यहाँ पर पानी लेना है गर्म, उसमें एक टावल लेना, गर्म पानी में टावल को डिप करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल के पूरे बालों को ढक लें, यानी बालों को कवर करना है गर्म टावल से,
इससे क्या होगा, हमारे बालों को या हमारे जो स्कैल्प है उसको स्टीम मिलेगी, जिससे हमारा स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, जिससे हमारे हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों को डीप कंडीशनिंग करेगा। इसके साथ ही साथ जो रोम छिद्र है वो खुल जाते हैं, तो जो भी हमने ऑयल वगैरह अप्लाई किया है वो बहुत अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा, जिससे रिजल्ट और अच्छे आएंगे। उसके बाद 2 घंटे बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश करें। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू को यूज़ ना करें। दोस्तों हफ्ते में इसको अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो 3 बार यूज़ करें, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो 2 बार यूज़ करें। मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों एक बार इसको यूज़ करके देखिए, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। इवन मार्केट वाले किसी हेयर पैक या मार्केट वाले किसी भी हेयर ऑयल ने आपको आपको हेयर ऑयल का आपको फ़ायदा नहीं मिला, इसका जरूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल चीज़ जो सिंगल सिंगल ऑयल है वो बिल्कुल नेचुरल, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं, आपने अपने हाथों से बनाया है। मार्केट वाले हेयर ऑयल कई बार पावरफुल होते हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, जिसके कारण हमें फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।